हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टडी करेंगे सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज, वेरिएशंस एंड रिलेशनशिप के बेसिस पर क्लासिफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर क्लासिफिकेशन के कुछ सिस्टम्स प्रपोज्ड किए हैं, जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। Different system of classification proposed from time to time have been divided into three basic categories। तो तीन basic categories हैं यहाँ पर, artificial system, natural system and phylogenetic system या phylogenetic classification। सबसे पहले देखते हैं artificial system of classification। देखिए, classification के जो system तैयार किए गए हैं उनका कुछ न कुछ base अवश्य रखा है। तो artificial system में जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, हैबिट है और मानव के लिए क्या इम्पोर्टेंस है उस ऑर्गेनिज्म को, तो इस तरीके बेस मानते हुए इस सिस्टम को प्रपोज्ड किया है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल करेक्टर्स होते हैं जो बाहर से देखने पर पता चल जाता है। हैबिट, उसका स्वभाव एंड देयर इम्पोर्टेंस टू मैन और ह्यूमन, और मानव के लिए उनका क्या इम्पोर्टेंस है। आर्टिफिशियल सिस्टम वॉज प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई थियोफ्रास्टस। इसमें और भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व है जिनको आप हायर क्लासेज में स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर आप थियोफ्रास्टस का नाम लर्न रखेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें दूसरा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, इस सिस्टम का बेस जो एक्शनल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स तो हैं, इसके अलावा इस सिस्टम में नेचुरल सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को इन्वॉल्व किया है। इट इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन कंपेरेबल स्टडी ऑफ ए नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो बहुत सारे करेक्टर्स को इन्वॉल्व किया है जिसमें तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें ब्रिंग आउट ऑफ नेचुरल सिमिलरिटीज, तो तुलनात्मक अध्ययन से यानी कि कंपेरेबल स्टडी में जो सिमिलरिटीज हैं या डिसिमिलरिटीज हैं उनको इसमें बेस माना गया है। नेचुरल सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज एंड हैंस नेचुरल रिलेशनशिप अमोंग द ऑर्गेनिज्म। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। इसमें भी और भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व है एंड जॉन रे। तो यहाँ पर आप बेंथम, हुकर, बेंथम एंड हुकर और जॉन रे, इनका नाम याद रखेंगे। तीसरा सिस्टम है इसमें क्लासिफिकेशन का, फाइलोजेनेटिक सिस्टम या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, इस सिस्टम में इवोल्यूशनरी जो सीक्वेंस है उनको बेस माना गया है, उद्विकास और एक ही पूर्वज को फोकस किया गया है इसमें। यानी कि ऐसी ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज रखी है जिनमें ये माना गया है कि ये एक ही पूर्वज के मेम्बर हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी सीक्वेंस एंड द जेनेटिक रिलेशनशिप अमोंग ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें क्या रिलेशनशिप रही है, उनको इस सिस्टम के अंदर बेस माना गया है। इज टर्म्ड एज ए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड इवोल्यूशनरी यानी कि उद्विकास या उद्विकसित सीक्वेंस में जेनेटिक रिलेशनशिप को प्रदर्शन करने वाला जो सिस्टम है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। दिस सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाई एंगलर एंड प्रांटल। इसमें भी और साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं जो कि आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है, देखिए, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। नाइन्थ क्लास के लेवल पर ये इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है। तो क्लासिफिकेशन का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ये किस तरह से किया गया है, तो उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। देखिए, फाइव किंगडम पढ़ने से पहले हम स्टडी करेंगे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले टू किंगडम आया, फिर थ्री किंगडम आया, फिर फोर किंगडम आया और फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। This system of classification is the oldest. It was suggested by Carolus Linnaeus in 1758. तो ये system है two kingdom system में सभी living organism को two kingdom में divide किया गया।
और इन्होंने दो किंगडम बनाए, एक प्लांटी बनाया जिसमें सभी प्लांट्स को रखा और दूसरा एनिमेलिया जिसमें सभी एनिमल्स को इन्वॉल्व किया। तो 1758 में कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ही डिवाइडेड द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स। पहला किंगडम देखिए यहाँ पर प्लांटी, फॉर ऑल प्लांट्स लाइक ट्रीज, शार्प्स, क्लाइंबर्स, मोसेज एंड फ्लोटिंग ग्रीन एल्गी, जो कि स्वतंत्र रूप से तैलने वाली एल्गी है, सवाल है, क्लाइंबर्स है, श्रब्स हैं, झाड़ी, ट्रीज, ठीक है, हर्ब, शर्ब, ये सारे सभी प्लांट्स को उसने किंगडम प्लांटी में डिवाइड किया। और दूसरा उसने जो ग्रुप रखा, किंगडम बनाया, वो था एनिमेलिया। एनिमेलिया इसमें सभी एनिमल्स को इन्वॉल्व किया। आगे देखिए, इन दिस सिस्टम द बैक्टीरिया एंड फंजाई वर इन प्लांट किंगडम एज दे शो क्लोज सिमिलरिटीज विद इम। तो कैरोलस लिनियस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई और बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में इन्वॉल्व किया, जैसे कि वो उनमें प्लांट से इनकी सिमिलरिटीज ज़्यादा होती है। लेटर सर्टेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर आइडेंटिफाइड विच डिड नॉट स्ट्रिक्टली फिट आइदर इनटू प्लांट और एनिमल। तो कैरोलस लिनियस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को और खोजा गया, उनकी और जांचें हुई, तो जो कि प्लांट और एनिमल दोनों ही किंगडम से मेल नहीं खाते थे। तो उसके बाद में आया देखिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इससे क्लासिफिकेशन में तीन किंगडम तैयार किए गए थे और ये क्लासिफिकेशन दिया गया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने कैरोलस लिनियस के क्लासिफिकेशन में एक और किंगडम ऐड कर दिया जिसका नाम प्रोटिस्टा रखा। देखिए अर्नेस्ट हैकल ए जर्मन बायोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर सजेस्टेड टू ए थर्ड किंगडम और उसने किंगडम का नाम क्या रखा, प्रोटिस्टा इन 1866। फोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड एल्गी एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट टिश्यू सच एज एल्गी एंड फंजाई। तो एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनको एक अलग ही ग्रुप में रख दिया जिस ग्रुप का नाम था प्रोटिस्टा, उस किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। तो ये अर्नेस्ट हैकल का थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो थ्री किंगडम कौन कौन से हो गए देखिए, प्रोटिस्टा ये जो नया बनाया है, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो प्लांटी एंड एनिमेलिया ये कैरोलस लिनियस के किंगडम थे जिसमें प्रोटिस्टा को अर्नेस्ट हैकल ने ऐड कर दिया। अब देखिए इसके बाद में भी बहुत सारी जो ऑर्गेनिज्म थी वो ऐसी थी जो कि इन तीनों से मेल नहीं खाती थी। फिर इसके बाद में फोर्थ साइंटिस्ट आए थे कॉपलैंड, इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो आगे आता है थर्ड, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट वॉज प्रपोज्ड बाई कॉपलैंड इन 1956। ही एड टू किंगडम इन लिनियस क्लासिफिकेशन। कैरोलस लिनियस के सिस्टम में क्लासिफिकेशन में इसने दो किंगडम ऐड कर दिए। द टू एडिशनल किंगडम्स वर मोनेरा एंड मोनेरा देखिए फॉर द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड प्रोटिस्टा। दो किंगडम उसने बनाए, प्रोटिस्टा किंगडम हालांकि अर्नेस्ट हैकल ने बना दिया था लेकिन इसने अपने हिसाब से उनको मैनेज किया, जो ऑर्गेनिज्म थे उनको अलग हिसाब से उनको कैटेगराइज किया। तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा कैरोलस लिनियस के क्लासिफिकेशन में दो किंगडम इसने ऐड किए। तो प्रोटिस्टा किसको रखा, फॉर प्रोटोजोआन, एल्गी एंड फंजाई। सो देयर फोर किंगडम्स आर देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो ये इसके फोर किंगडम हो गए। फिर इसके बाद में आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इट वॉज प्रपोज्ड बाई आर एच विटकर। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच विटकर ने और कब दिया था इसने, 1969 में। ये एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट था, इसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। विटकर फॉर्म फाइव किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का बेस क्या रखा था, सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
बॉडी किस तरह से बनी है, उसमें लेवल किस तरह का है, सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है या ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मोड ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन, तो पोषण का जो बेस है वो किस तरह से है वो इसमें इन्वॉल्व किया गया है, यानी कि ये सारे के सारे बेस थे उसके। तो इसके फाइव किंगडम कौन कौन से हैं, देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया आर द फाइव किंगडम्स ऑफ आर एच विटकर। तो विटकर के ये पांच किंगडम है, इन पांचों किंगडम का हम तुलनात्मक स्टडी करते हैं। देखिए ये किंगडम है, आपके पास में फाइव किंगडम दे रखा है, ये इसका क्राइटेरिया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सबसे पहले देखते हैं सेल टाइप, सेल का टाइप किस तरह से है। तो मोनेरा किस तरह का है, प्रोकैरियोटिक, यानी कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है वो सॉरी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको आर एच विटकर ने एक ही किंगडम में डाल दिया और वो था मोनेरा। तो सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनेरा किंगडम में एडजस्ट हो गई। यहाँ पर देखिए सेल टाइप प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक। फिर इसके बाद में देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कैसा है, यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सारे के सारे मोनेरा में एडजस्ट हो जाते हैं और यूनिसेलुलर है बट कैसा है, यूकैरियोटिक है, तो वो कहाँ एडजस्ट होगा, प्रोटिस्टा में एडजस्ट होगा। बाकी ये फंजाई मल्टीसेलुलर है, प्लांटी मल्टीसेलुलर है, इनमें टिश्यूज ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम इनमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें अगला जो बेस रखा उसने सेल वॉल, तो सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट है और किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन या यहाँ पर हम म्यूकोपेप्टाइड भी बोल सकते हैं, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट है। यहाँ पर प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन सब में प्रेजेंट नहीं है, कुछ में प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इन सम मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कि किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में एब्सेंट होती है। फंजाई में देखिए प्रेजेंट मेड अप ऑफ काइटिन, फंजाई के अंदर प्रेजेंट है बट किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है। एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट होती है क्योंकि इसमें सारे के सारे एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। आगे देखिए न्यूट्रिशन, जो मोनेरा है वो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं और सॉरी सभी ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, यानी कि उनमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। प्रोटिस्टा में देखिए ऑटोट्रॉपिक हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ मेंबर्स इसके हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। फंजाई हेटरोट्रॉपिक होते हैं, इसके सभी मेंबर्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं जो कि पैरासाइट नेचर के होते हैं या फिर सेप्रोफाइट होते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो कि किसी दूसरे की बॉडी में या किसी दूसरे एनिमल से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। और सेप्रोफाइट वो होते हैं जो कि मृत या सड़े गले प्लांट या एनिमल्स के जो पार्ट होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो सेप्रोफाइट कहलाते हैं। प्लांट्स, ये प्लांटी आ गया, किंगडम प्लांटी के सभी मेंबर्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं और सभी फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के की हेल्प से अपना फूड खुद बना लेते हैं। और एनिमेलिया, एनिमेलिया के सभी मेंबर्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनिज्म, ये कुछ एग्जाम्पल है, मोनेरा बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा इसके एग्जाम्पल आते हैं, प्रोटिस्टा में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। फंजाई में देखिए यीस्ट है, मशरूम है, कुछ मोल्ड्स होते हैं इसमें। प्लांट्स में प्लांटी किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एनिमल्स में देखिए स्पंज, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें नोटोकोड नहीं होती है, वर्टिब्रेट जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है।
तो आज के इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन के सिस्टम स्टडी किए, इसके अलावा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ब्रीफली स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स।